वेलकम बैक टू द चैनल एंड इफ यू न्यू ऑन माय चैनल आई एम सो प्रदीप। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ अपना PS5। तो अभी उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, और उससे पहले जो मैं लेने गया था कल रात को वो वाला क्लिप देखो गाइस। फाइनली ले लिया इसमें PS5। मजा आने वाला है। किस्मत होना जरूरी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था 2020 में 12 नवंबर 2020 में, और ये ऑलमोस्ट मैं 1.5 साल से वेट कर रहा था। मैंने सोनी के स्टोर पे गया, मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट अलग अलग स्टोर में भी चेकआउट करते रहता था, बट मुझे कहीं भी नहीं मिला। और तभी मैं कह रहा हूँ यू हैव अ लॉट्स ऑफ मनी लाइक मी बट यू डोंट हैव किस्मत। तो इसे लेने के लिए किस्मत होना जरूरी है बहुत ज़्यादा, और ये मुझे फाइनली मिल गया, आई एम सो हैप्पी। तभी तो मैंने कहा था कि इसे लेने के लिए चाहिए किस्मत, यू हैव किस्मत सो गेट इट rather than wait for PlayStation 5, क्योंकि इस वजह से वेट करना पड़ रहा है ग्लोबल शॉर्टेज के कारण। जो अपना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना वो हो नहीं रहा, उसकी वजह से अभी हमें डिले मिल रहा है। मुझे 1.5 साल वेट करना पड़ा, सोच लो 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। फाइनली आई हैव इट, प्रॉमिस करता हूँ अनबॉक्स मजा आने वाला है। ये है सोनी 1 ईयर वारंटी के साथ, और ये सब तो ये है 8K के साथ आता है, और 4K 120Hz में चलेगा HDR। और ये आप देख सकते हो इसका प्रिंट रेट। तो इसका प्राइस है ये, और अभी से करते हैं अनबॉक्स। तो अभी हम करेंगे इससे अनबॉक्स। ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, बहुत ही कमाल का चीज़ है। ये बहुत ही नोकीला और बहुत ही ज़्यादा धार है, बहुत ज़बरदस्त है। ये एक्समैन वाला है, एक्समैन वाला। तो इससे अनबॉक्स कर लेते हैं, काटते हैं। तो सबसे पहले खोलते हैं, और ये कुछ मैनुअल गाइड्स हैं, अपना इंस्ट्रक्शन है जिसे हम नहीं पढ़ते, तो इसे रखते हैं साइड में। और कंट्रोलर वाओ, कंट्रोलर पे आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले अंदर से गेम अनबॉक्स करते हैं। कंट्रोलर बहुत डिफरेंट है, इस बार पता लगा है बहुत डिफरेंट है। इसे करते हैं अनबॉक्स, और इसके साथ देते हैं एक हाई क्वालिटी HDMI केबल, इसे साइड पे रखते हैं। और क्या है ये, शायद अपना, हाँ ये वाला कंट्रोलर का चार्जर है, ऊपर से टाइप सी, ये बढ़िया है, फास्ट है। इसके अंदर क्या होगा, ओके सो ये पावर केबल है, ये पावर केबल है, और ये है मे बी शायद ये, हाँ स्टैंड है। तो ये स्टैंड है, ये वर्टिकल खड़ा करने के लिए है अपने PlayStation 5 को। तो ये शायद मैं ये ना यूज़ करूँ, तो इसको सेव रखते हैं। और अभी टाइम है मेन 3, 2, 1। तो इसको पहले हटाता हूँ। तो गाइस PlayStation 5, मैंने तो फर्स्ट टाइम लिया PlayStation 5। मैंने हालांकि बचपन में शौक था PlayStation 4 लेने का, 3 लेने का, वो मैंने लिया नहीं, बड़ा फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। बट इतना पता कि PlayStation 4 से काफ़ी वेट है, वेट में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि इसको मैंने सही खड़ा किया। तो उसे करते अनरैप,
सही खराब खड़ा किया मुझे। Awesome है गाइस। तो ये है अपना PlayStation 5। दिखने में लुक वाइज बहुत ही स्लीक है, डिजाइन किया है उन्होंने सोनी ने और बहुत ही बढ़िया है। और इसका मैं जो हाथ फेर रहा हूँ ना, बहुत ही बढ़िया, एक मैट तरह का फिनिशिंग है, बहुत बढ़िया, हाई क्वालिटी। क्वालिटी बता रहा हूँ, क्वालिटी एक नंबर है। PlayStation वालों ने क्या किया यार, मतलब सोनी कंपनी को हैट्स ऑफ। और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट है, मैंने जैसे पहले ही बताया थोड़ी देर पहले, PlayStation 4 मेरा लेने का ड्रीम था बट मैं कभी ले नहीं पाया, ठीक है ना। और PlayStation 3 भी, हाँ मेरे पास बहुत सालों पहले PlayStation 2 था, लिया था मैंने 2010 या 2011 में, या उससे भी पहले लिया था, मैं बताता हूँ फिर बताऊँ बाद में। PlayStation 2 भी है मेरे पास, बताता हूँ आपको बाद में। तो डिज़ाइन बहुत बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हो आगे से क्या लुक है, बहुत मस्त है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये दो वेरियंट आता है, एक आता है डिजिटल वेरियंट, एक आता है फिजिकल। तो मैंने डिजिटल नहीं लिया, वो 40,000 का था, और ये फिजिकल मतलब इसमें डीवीडी सीडी ब्लूरे जो होता है ना, सीडी डीवीडी वाला, वो यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला लिया, मुझे पड़ा है 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये पड़ा है। इसका प्रिंट रेट है, एक्चुअली सुनोगे तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि शॉर्टेज था, मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसे लिया। छोटे मुझे पड़ा है 65,000, जी हाँ 65,000 का मुझे ये प्रेसिजन वाइज पड़ा ब्लैक में, क्योंकि मिल नहीं रहा था। खैर जो भी हो, मेरा ड्रीम कंसोल है ये प्लेस्टेशन 5, मुझे मिल गया, आई एम सो हैप्पी। तो फटाफट से सबसे पहले मैं PS5 को मैंने कर दिया सेटअप, वायरिंग वगैरह सब कर दिया मैंने, प्लग कर दिया HDMI, कर दिया से बूट स्टार्ट हो गया। ओके, प्रेस द PS बटन ऑन योर कंट्रोलर। ओके, तो कंट्रोलर अभी यूज़ करना है, कंट्रोलर ही तो मेन है। कंट्रोलर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, दिखाता हूँ। वाओ, इसका क्वालिटी क्या बताऊँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और ऑसम क्वालिटी, बहुत ही ज़्यादा ऑसम क्वालिटी, मज़ा आ रहा है, एक नंबर। तो अभी इसे करते हैं प्रेस, तो प्रेस कर दिया मैंने। अभी PlayStation 5 को सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सेटअप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा PlayStation अकाउंट, और काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, तो वो मैं पहले कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, वो मैं करके आपको डायरेक्ट एंटर करता हूँ, ठीक है। ओके, तो गाइस मैंने कर लिया, अपना अकाउंट बना लिया, वेलकम टू PlayStation। तो ये मेरा, मैंने ये बनाया प्रदीप दास, सो अभी इसको करते हैं। मैंने इसमें अपना पासवर्ड लगाया, मेरा नेफ्यू कृष्णा ना देख लिया, अगर उसने देख लिया ना तो आगे चलाएगा। तो ये रहा गाइस इंटरफेस, PlayStation 5 ऑन हो गया। बट आपको बता दूँ, ये सब गेम अभी ये बाय करना पड़ेगा, ये सब पैसे देख रहे हो, इतने इतने महंगे गेम हैं। बट हाँ, ये तो मैंने वैसे ही खोल के रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे से मुझे एक चीज़ मिला है PlayStation 5 के साथ, ये वाला WWE 2K22। तो ये मुझे CD पड़ा है, मिला है अपने PlayStation के साथ, तो इसका MRP है 4,000 रुपये, पर वही ये मुझे फ्री में मिला है मेरे PlayStation 5 के साथ। तो अभी इसे लगाते हैं, करते हैं WWE 2K22 स्टार्ट। ओके, मैंने इस 2K22 मतलब ये WWE सीरीज का बहुत सारा, मतलब एक से लेकर पता कौन सी एयरकॉम से पेन आता था, खेल कम से कम आपने भी खेला होगा, वो सारा खेल चुका है, खेल लिया है मैंने, वो सारा गेम खेल लिया। अब ये 22 है, बहुत ही ऑसम होगा मेरे नाम से। जब तक ये लोड हो रहा है, आपको एक चीज़ बता दूँ, वैसे ये PlayStation 5 पर अडेप्टिव ट्रिगर के साथ आता है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हाई क्वालिटी। मैंने जैसे पहले बताया था मेरे पास PlayStation 4 नहीं, बट हाँ मेरे पास कंट्रोलर था, तो मेरे पास ये PlayStation 4 का कंट्रोलर है, PlayStation 4 का कंट्रोलर है, थोड़ा सा डस्ट आ गया। सो PlayStation 4 का कंट्रोलर है और ये PlayStation 5 का कंट्रोलर है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और इसके अंदर भी टच पैड है, ये भी टच है, बट ये भी टच है, ये नेक्स्ट लेवल का है PlayStation 5 का। और
इसमें कलर्स आते थे, ट्रायंगल, जीरो, एक्स, डब्बा, ये आता था, ठीक है। और अभी देखो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, और ये छोटा सा था R2 L1 L2 R1, ये अडेप्टिव ट्रिगर के साथ है, बहुत ज़बरदस्त है। मैच लगा दो, मेरा फेवरेट है ब्रॉक लेसनर, ब्रॉक लेसनर है मेरा फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है ब्रॉक लेसनर, मेरा फेवरेट है ब्रॉक लेसनर। बस किस द रॉक का लड़ाते हैं, तो ये रहा द रॉक, ये भी मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट, दोनों ही मेरे फेवरेट है, द रॉक भी दोनों मेरे फेवरेट है, द रॉक भी ब्रॉक लेसनर। Basically, anything goes. You can win by pinfall or submission. Every hold, every surface, every object in the arena is all fair game for these combatants. अभी नया नया कंट्रोल है ना, कुछ पता नहीं लग रहा है, कुछ भी पता नहीं लग रहा मुझे। Did you hear that impact? अब मेरी भाई He turns it around. Ooh, stinging kick. He stares. The Rock taking complete control. And the Rock's opponent is looking like a jabroni. Everything is legal in an extreme rules match, but as a superstar. मुझे गेम खेल के काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे अलग अलग गेम खेलना है। अभी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक मेरा ब्रॉक लेसनर मार कर रहा है मुझे, तो अभी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक लॉन्च होने वाला है थोड़े दिनों में, मैं प्री ऑर्डर करने वाला हूँ गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक, फिर उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, आप देखना। और कंट्रोलर का वाइब्रेशन ड्यूल सेंसर बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रिगर है, कंट्रोलर का ही प्राइस 5,000 रुपये, सोचो कंट्रोलर का प्राइस है 5,000 रुपये, कितना एक्सपेंसिव है कंट्रोलर 5,000 रुपये। जैसे मैंने कहा था कि टाइम में गेम छोड़ ऐसे में आता था, पूरे 5,000 के कंट्रोलर है, गेम तो कितना महंगा है, एक एक सीधी 5,000 रुपये है। अभी जो मैंने रेसलिंग गेम खेल रही WWE, ये 4,000 रुपये कैसे है। तो खैर ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया वीडियो करना है, पता नहीं क्या करना, वीडियो करना है लाइक, चैनल करना, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड बी रिमेंबर, बिलीव फॉर मिशन।